तो हमारी बीवी क्या बोले? सातवें निजाम के जान जिगरी दोस्त बगल अड्डी का 300 अड्डी का 205 चार मीनार पे इससे अच्छे मिलते हैं 120 रुपए में 60 रुपए में दो। अब बिजनेस की बात करें, देखो आप आपका नाम पूछे हाँ नहीं बोले जल्दी आ रहे हैं अब्बा। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? माँ की दवा ऑटो के पीछे लिख के रखे। ऑटो के पीछे क्या लिखा हुआ है? नहीं पूछिए, आपका नाम पूछिए। अली बिमशाह दुर्कोल्लू शमशेर के दा हट्टा कटा तलाब कटे का खाते पीते घर का लंगा बुक्का नहीं है तो खाता मंके ने खाता नाम है खाजा पाशा। ये पूरे खानदान का नाम है क्या? नहीं, आपके भाई का है। इससे पहले क्या काम करते थे आप? ऑटो चला देते, एक कार दो ऑटो थे मेरे पास, एक कार एक ऑटो फाइनेंसर वाले लेके चले गए, एक ऑटो काले लॉकडाउन में कड़े 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 जंका के वहीं रख खड़े। तो हमारी बीवी क्या बोले, ये कब तक आटवा चलाते थे 20-30 रुपए कमाने के वास्ते, खाली व्हाइट कलर का जॉब करो बोल के बोलते किच। भाई क्या करे, हमारे पप्पू को बोले, हमारे पप्पू क्या करे उनके बेटे फैसल को बोले, यही फैसल यही बिल्डिंग में काम करते तो मेरे को बुलाए तो इंटरव्यू बोले तो मैं इधर आए। नहीं बोले तुम्हारे को फैसल आपको बोले? हाँ नहीं बोले आइया का पाया। नहीं बोले फैसल ही बोले। हाँ वही बोल रहा हूँ, नहीं तो खाते थे चंदे के मारा, नहीं बोले बोलते इज्जत निकल जाते थे पूरे। ओके, तो जैसा कि आपको मालूम है ये सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है, तो आपको सामाना बेचना रहता। सामान बेचने का है? अरे मदर भैया, सलीम भाई को डीसी में डाल लेके जल्दी ले लेके आओ, हाथ में 40,000 रुपए कैश ले लेके आओ, यहाँ पे ऑफिस उठाने का है, सामान बहुत अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पे एसी है, टेबल है, कुर्सी है, पूरा ऑफिस पूरा गंपा खत्म उठा लेने का है, जल्दी आ रहे हैं अब्बा। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, स्क्रैप का धंधा नहीं करना है आपको, प्रोडक्ट सेल करना है। प्रोडक्ट बोले तो वो मेहंदी के कोना, मेहंदी के पाकिटा और फेस क्रीम वो है क्या? सारी इम्पोर्टेड चीजें रहती है, आपको ऑनलाइन फोन करके बेचना रहता। आप कोई भी एक प्रोडक्ट सेल करके बताओ मेरे को तो मैं आपको नौकरी देती हूँ। अरे आप ही बोले मैडम, क्या बेचता बोलो, ये एसी बेचू क्या बोलो? अरे नहीं नहीं एसी कहीं को बेचते हैं, आप एक काम करिए मेरे को एक कैब बेच के बताइए। ये डोपा कौन का लेते हैं मैडम, फहीम भाई की दुकान पे 3 रुपए के तो पेनी चाट को आते, कोई अच्छा महंगा चीज बोलो मैडम, महंगा चीज। अच्छा ये फ्लावर पॉट बेच के बताइए। ये कौन का लेते हैं मैडम, एबिट्स पे 4 मीनार पे इससे अच्छे मिलते 120 रुपए में, कोई अच्छा जबरदस्त महंगा चीज महंगा। ओके ठहरी एक मिनट, ये इयररिंग बेच के। अरे ये कौन का लेते हैं मैडम, देने तो दो दियो। ये लीजिए दूसरी बेच के। हाँ ठीक है, 120 चाइना का माल नहीं होता, दुबई का माल है, असली सोना भी बिका पड़ जाएगा, पहने से वाले का भी रंग खुल जाएगा, 120। और मैडम ले रहे 120 60 रुपए में दो। अरे 110 तो कर ही दिया मेरा, 65 रुपए में दो, 110 में देते लास्ट, 70 रुपीज में दो। अरे तुम्हारा ना मेरा मैडम, 105 में लास्ट फाइनल आता, और बोलो मैं तुम्हारे को क्या बोले मैडम, लास्ट है 80 में दो। नहीं होता मैडम, नहीं होता, लास्ट फाइनल 105 दे रहे तो बोलो, नहीं तो नहीं 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 तो राइट, चलो राइट राइट। अरे मेरी इयररिंग्स, 105 फाइनल रेट, उसके आगे कुछ भी नहीं बोलता मैं, ले रहे नहीं ले रहे नहीं नहीं ले रहे जाओ। अरे मेरी इयररिंग्स। आदाब आदाब आदाब। ओह नो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हमारे बाबा के दादा के बाबा, मतलब हमारे परदादा, सातवें निजाम के जान जिगरी दोस्त। उल्कू जाओ रे मियां बोले तो गोलकोंडा किले के पीछे जाके बिड़िया मारते थे। मैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पूछी, टेल मी समथिंग अबाउट योर दादा सेल्फ नहीं पूछी। आ रहा हूँ वहीं चाह रहा हूँ, क्या है बोले तो ऊपर से शिजरा निकाल लेते हुए आना पड़ता तो आपको भी समझ में आता कि मैं कौन हूँ, और आपको ये भी मालूम पड़ता कि आप किससे बात कर रहे हैं। तो हमारे परदादा का नाम था शम्स, उन्हों और निजाम चिचा मिलके एक जमीन खरीद और उसको आबाद करे, और वो जमीन का नाम पड़ गया शमशाबाद। हमारे परदादा के थे 6 जोरुआ और 36 बच्चे, 35वें पे थे हमारे दादा, उनका नाम था मोइन, उनके हिस्से में जो जमीन आई उसको उन्होंने आबाद करे और वो जमीन का नाम पड़ गया मोइनाबाद। तो विकाराबाद क्या आपके बाबा आबाद करे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो हमारे छोटे चिचा आबाद करे,
मगर वो जमीन भी हमारी है। तो मैं क्या करूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि विकाराबाद में 40 एकड़, मोइनाबाद में 60 और शमशाबाद में 120 एकड़ हमारी है। तो इतने जमीन रख के जॉब कहीं को ढूंढ रहे आप? वो पूरे जमीन लिटिगेशन में है ना मैडम, वकील को देने को पैसे भी नहीं है, इसके वास्ते जॉब ढूंढूं। आज का बीमार कल का शेर हूँ मैडम। एक बार केस हाथ में आ गया ना, तुम्हाकू और तुम्हारे जैसे 10 लोगों को काम पे रख लेता हूँ मैं। तू मेरे को जॉब पे रखता? चल निकल ढीले। मोहतरमा जज्बात को काबू में रखो मोहतरमा, शमशाबाद के मेन रोड पे 2 एकड़ जमीन आपकी, खाली मेरे लॉयर का खर्चा दे। चल निकल। नेक्स्ट। बड़े बड़े जरा डीलियों के दूंगी। चलो गरीब को असलम कुरैशी बोलते, पवत पादा किलो गोश्त सुनाया तो बोलो बगर हड्डी का 300, हड्डी का 200। व्हाट ना इसको बड़ बोलते, 120 रुपए किलो रहती, गरम गरम पानी में देकर साफ सुथरी करके आपके वास्ते 110 में देता हूँ, बोले तो ऑफिस में भिजा देता हूँ। भेजा है आपका? नहीं नहीं, सुबह सुबह हो गया, गुर्दे के लिए जाए भेजा। हेलो मिस्टर कुरैशी। मिस्टर कुरैशी नहीं, गरीब को असलम कुरैशी बोलते, पवत पादा किलो गोश्त सुनाया तो बोलो बगर हड्डी का 300, हड्डी का 200। नहीं होना, मैं वेजिटेरियन हूँ, ये आपकी गोश्त की दुकान है, सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी। उसके वास्ते तो आया ना मैडम। कौन सी जॉब होना आपको एंड हाउ मच सैलरी यू एक्सपेक्टिंग? जा असलम कुरैशी और जा, बड़ी बात से बतावा मैडम, नीचे दस लोग काम करते हैं हमारे यहाँ। तो फिर आप आए कहीं को? अरे आए कहीं को बोले तो, अरे मैडम जॉब नहीं होना उल्टा जॉब देते अपन। यहाँ पे किसी को भी जॉब नहीं होना, उल्टा हम दिलाते लोगों को। अब बिजनेस की बात करें, देखो आप एक बात पे पौ किलो गोश्त कुर्बान। What do you mean? बोलना क्या चाह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं मैडम, जैसे आप लोगों को कस्टमरों को जैसा जॉब दिलाती वैसी आप हमारे कस्टमर आ दो, जो भी है आगे पीछे से टेबल के नीचे से देख लेंगे। पानी भी ना के नहीं आए तुम? कहाँ रही वो दुमाग उतारी? अब कुछ भी नहीं मैडम, वो मैं आते आते जो इसको दो बकरे उतार दी क्या, तो एक आधा जर्रा बाल लग गया होगा, बस रोज का है, कुछ भी नहीं होता जी। लाइट लो, मेरे को तो नहीं आ रही, तुम्हारे को तो आ रही छम्मो वो। What? Oh no! मल्ला पल्ली बड़ी मस्जिद के पास रोड स्लॉट की लाइन में तो तीसरी दुकान है, जहांगीर के वहां का गोश्त खाते आप। आपको कैसे मालूम? ये तो वजन हाथ से जानदार भरी मारे ना, मैं समझ गया कि आप हमारे सप्लाई का माल खाते बोल के। खैर कोई बात नहीं, तो क्या है एक ये मेरा कार्ड समझे आप, ये कार्ड ले लो आप, कुछ भी तेरे दोस्त है बाप शादी वाली माँ खानदान कबील में कुछ भी फंक्शन रहा तो मेरे को याद कर लो, आप जरा छोटा भी फंक्शन समझ लो, सातक मेहंदी चिल्ला छट्टी दसवा बीसवा चैलूम खुदा खुशी हकीका कुछ भी रहा तो गरीब को याद कर लो, मार्केट से 10% कम में आपको लगा के दे, ठीक है ना? तो पक्का सुनू? ओके नक्की, डन कर दो दिल। ओके ये खुशी में 1.25 किलो गोश्त बगर हड्डी का आपके घर तक पहुंचाया। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी ना, वो गिर गया था ना तो वो ढीले हो गए। अरे अरे मैडम आंखें बंद करो मैडम। नहीं भाई देखो